एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में सेवा कार्य के रूप में मनाया गया। सभी जातियों एवं धर्मों के लोगों एवं भाजपा समर्थकों ने अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री के जन्मदिन और सेवा कार्य कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान मुस्लिम कार्यकर्ता इम्तियाज अहमद ने गायों की सेवा कर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली भाजपा के एक मुस्लिम कार्यकर्ता इम्तियाज अहमद द्वारा गायों की सेवा का अद्भुत नजारा, जिसे देखकर हर मुस्लिम का गौ माता के प्रति सेवा के लिए जागरूक हो जाएगा। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, उनका नाम है इम्तियाज अहमद, जो निरंतर गायों को रोटी खिलाकर मुस्लिम समाज को गौ माता की सेवा के लिए एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। आपको बता दें कि इम्तियाज अहमद एक भाजपा कार्यकर्ता भी है और सामाजिक सोच रखने वाले व्यक्ति है। यहाँ पर एक तरफ मोदी के जन्मोत्सव पखवाड़े के दौरान देश भर में तरह तरह के सेवा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहीं इम्तियाज अहमद का कहना है, हम हिंदू मुस्लिम तो बाद में है, सबसे पहले एक इंसान है। उन्होंने कहा कि बेजुबान जानवरों में सेवा करने से बड़ा सेवा कार्य शायद और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि वह निरंतर जब भी समय मिलता है तब उन्हें सड़कों पर गायों को रोटी खिलाते हैं। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। सर, आज आप एक गाय को रोटी खिला रहे हैं यहाँ पे, तो उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य कुछ खास नहीं है इसका। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जो सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसी के चलते सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के नागरिक भी इस जन्मदिन को सेवा के रूप में मना रहे हैं। कोई बच्चों को सामान बांट रहा है, कोई सेवा कर रहा है, बस्तियों में जाकर सेवा कर रहा है, कोई फ्रूट्स बांट रहा है। तो इसी के निमित्त मन में ये भाव आया कि कोई ना कोई सेवा करनी चाहिए, तो हमने भी आकर गाय को रोटी खिलाई है और बेजबान जानवर हैं इसलिए हमने आज गाय को ये रोटी खिलाई है। और नहीं, देखिए, जब भी समय मिलता है मैं आता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मैं निरंतर आता हूँ, और जब भी मौका मिलता है तो मैं आता हूँ और इस तरह से गाय को रोटी खिलाता हूँ। और मैं किसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अल्पसंख्यक तरीके से मुस्लिम समुदाय से हूँ, लेकिन ये बात बहुत दूर की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब कुछ नहीं है। सबसे पहले एक इंसान है, और बेजबान जानवरों के लिए, जिनको जो जानवर घूम रहे हैं या आसपास सड़कों पर होते हैं, उनको अगर हम रोटियां खिला रहे हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी इंसानियत और इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। बस इसी भावना के चलते मैं लगातार ये काम करता रहता हूं। और आज क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का उपलक्ष्य है और पखवाड़ा चल रहा है, तो पूरे 15 दिन सेवा करनी है। तो जो सेवा इस तरह की लगती है, बेजबान जानवरों को खाना खिलाना हो या बच्चों को कुछ बांटना हो या जो भी ज़रूरतमंद साथी लगता हो उनकी ज़रूरतों पर ये काम करना, बस यही उद्देश्य है। और इसी के निमित्त, इसी कड़ी में आज हमने आकर ये गाय को रोटी खिलाई।